प्यारे बच्चों, आज हम क्लास एट्थ में चैप्टर वन एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर सिक्स बता रहे हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पूछ रहा है? इनवर्स ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। ये होता है योगात्मक प्रतिलोम, अब ये युवात्मक प्रतिलोम क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। हम किन्हीं दो संख्याओं को प्लस करें और उनका योगफल आंसर जीरो आए तो वो संख्याएं एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स होती है, युवात्मक प्रतिलोम होती है। जैसे हमारी कोई संख्या है फाइव, संख्या दूसरी कौन सी होनी चाहिए कि इन दोनों का योगफल जीरो हो जाए। प्लस करेंगे, कहने का होगा माइनस फाइव करें अगर हम तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल टू जीरो। कहने का यह होगा कि फाइव का एडिटिव इनवर्स हो गया माइनस फाइव, क्लियर हो गया। ऐसे ही माइनस के थ्री अपॉन टू है माना तो इसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स प्लस का तीन बटे दो, इन दोनों प्लस करेंगे तो जीरो हो गया। तो ये दोनों संख्याएं आपस में एडिटिव इनवर्स होंगी। क्वेश्चन सिक्स का ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ सेवन अपॉन इलेवन इक्वल टू हो जाएगा माइनस सेवन अपॉन इलेवन आंसर, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का प्लस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। बी, एडिटिव इनवर्स ऑफ 18 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 5, ये हमारा आंसर हो गया। अर्थ में नहीं आ रहा, एकदम से क्लियर समझ आ रहा होगा। ऐसे सी है हमारा, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 87 इक्वल टू प्लस का 87। इसमें क्या है, जो संख्या माइनस की है उसको प्लस कर देना है और जो प्लस है उसको माइनस कर देना है, क्लियर। ऐसे ही डी, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 44 अपॉन 29 इक्वल टू 44 अपॉन 29, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही ई, एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो, तो जीरो का जीरो होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही एफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ ऐसे लिख देंगे नीचे माइनस 15 अपॉन माइनस 11, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस दोनों कट जाएंगे या माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं और करके 15 अपॉन 11। अब इसका करेंगे हम एड इनवर्स युगात्मक प्रतिलोम, तो ये दोनों संख्या प्लस की है इसको माइनस कर देंगे माइनस 15 अपॉन 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ 21 अपॉन माइनस 41 इक्वल टू, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 21 अपॉन 41, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया। पूरा क्वेश्चन आसान है बहुत, इतना ध्यान रखना है माइनस प्लस को माइनस कर देना है और माइनस को प्लस कर देना है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, अरेंज एंड सिंप्लीफाई। ए, वन अपॉन टू प्लस माइनस थ्री अपॉन फाइव प्लस थ्री अपॉन टू इक्वल टू,
252 कॉमन निकालेंगे एलसीएम 25 का एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 × 2 5 का 5 आएगा और 1 का 1 और 5 × 5 2 × 5 = 10। एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन खींचेंगे इसके नीचे और 10 जो एलसीएम है उसको यहां निकलेंगे 2 से डिवाइड किया हमने 10 को तो 5 × 10 हुआ और 5 × 1 5 हो गया प्लस 5 से डिवाइड किया 10 को 2 × 10 हुआ 5 × 10 और 2 का करेंगे मिले 3 में 2 × 6 माइनस का है इसलिए इसको फिंगर ब्रैकेट में प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 10 को 5 × 10 और 5 × 3 15 हो जाएगा = 5 ब्रैकेट खोलेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस होता है प्लस 15/10 संख्या हमारी पहली प्लस की है पॉजिटिव है इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है तो हमेशा पॉजिटिव मानेंगे इसको ये पॉजिटिव हो गई ये पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव को प्लस कर देंगे 5 + 15 = 20 हो जाएगा −6/10 = 20 में से 6 माइनस करेंगे 14 आएगा 14/10 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10 = 7/5 ये तुम्हारा आंसर यही छोड़ सकते हैं इसको हम यदि इसको हम लिखे होल नंबर में तो होल नंबर हो जाएगा हमारा 7 को डिवाइड करेंगे 5 से 5 × 5 2 रिमाइंडर आया तो जाएगा 1 होल नंबर 2/5 एक आंसर हमारा ये हो सकता है तो बुक में यह आंसर या ये दे रखा होगा ये आंसर ये दे रखा होगा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बी −28/17 + 35/17 + −16/17 + −23/17 इसका डेरिवेटिव सबका सेम है इसीलिए एलसीएम 17 ही आ जाएगा 17 से डिवाइड करेंगे 17 को 1 × होगा 1 × 28 हो जाएगा प्लस ये 35 आएगा इसी तरह से प्लस ये ब्रैकेट में आएगा −16 प्लस ब्रैकेट में आएगा −23 क्लियर हो गया ब्रैकेट खोलेंगे 28 + 35 + −−, प्लस × −, हो जाएगा −17 ये प्लस का है ये प्लस का है दोनों को प्लस कर देंगे तो 8 × 5 = 13 कैरी हो जाएगा 3 × 5 + 1 = 6 ये दोनों संख्या माइनस माइनस की है मैंने पहले तो बॉन्ड लगाए थे जब कि दो संख्याओं के सामने साइन एक जैसे हो प्लस प्लस या माइनस माइनस तो क्या करते हैं दोनों संख्याओं को प्लस कर देते हैं और उत्तर के सामने वही साइन आता है जो दोनों संख्याओं के सामने है हम जैसे 6 + 6 हो गया तो 12 हो गया या −18 और −2 हो गया तो साइन दोनों एक जैसे हो गए प्लस कर देंगे साइन माइनस का आएगा ठीक है इसी तरीके से यह माइनस है ये माइनस है प्लस करेंगे तो साइन माइनस का आएगा और प्लस कर देंगे 6 × 3 = 9 हो जाएगा और 1 × 2 = 3 हो जाएगा −17 माइनस करेंगे 3 में से 13 × 9 = 4 हो गया और 5 × 2 आया −17 ये हो गया 24/17 अब इसको लिखे हम होल नंबर में क्या हो जाएगा 17 × 17 और 7 × 1 आया −17 ये हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर मुझे उम्मीद है एकदम समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सी 2/3 + −3/5 + 1/6 + −8/15 यहां 3, 5, 6 और 15 का लेंगे एलसीएम 3, 5, 6 और 15 का एक दूसरे करेंगे डिवाइड 3 × 3 आएगा 5, 3, 15 3 से करेंगे 1, 5, 1, 3/15 5 से करेंगे 1, 1, 1 और 1
तो 2 × 3 × 5 = 30, ऐसे में आ गया हमारा 30। अब 3 से डिवाइड करेंगे हम 30 को, 10 टाइम होगा, 3 × 10 = 30 और 10 × 2 = 20 हो जाएगा, प्लस 5 से करेंगे 30 को डिवाइड, 5 से 30 और 3 का करेंगे मल्टीप्लाई 6 में, तो 6 × 18 जैसे कर ले, देखो 5 का डिवाइड किया हमने 30 को, तो 5 × 30 × ये 3 है हमारा, -3 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 6 × 18 तो ये हो गया माइनस के 18 प्लस 6 से डिवाइड किया 30 को, 6 × 5 = 30 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5 आ गया, प्लस 50 से करेंगे 30 को डिवाइड, 50 × 2 = 30 और 2 में करेंगे मल्टीप्लाई माइनस का 8 का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 × 8 = 16 तो ये हो गया माइनस के 16। 20 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, प्लस के 5 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 16/30। ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस करेंगे 25 माइनस ये माइनस ये माइनस, दोनों को प्लस करेंगे और साइन माइनस का आएगा, ये हो जाएगा 34/30। दो पॉइंट लगाए थे मैंने, जब किसी दो संख्याओं के सामने अलग अलग साइन हो, एक प्लस दूसरा माइनस या पहला माइनस दूसरा प्लस, तो दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होती है उसमें से सूचक घटा देंगे, बड़ी संख्या हमारी है इसमें इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 9 हो जाएगा, और आंसर के सामने वही निशान आता है जो बड़ी संख्या के सामने है, तो माइनस के 9 हो गया ये 30। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 3 = 9 और 3 × 10 = 30 = -3/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, 3/5 + 5/3 + −11/5 + −2/3। यहां पर 5 3 5 3, तो 5 3 का एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम आएगा 15 ऐसे लिख देंगे 15। 5 से करेंगे डिवाइड 15 को, 3 टाइम हो गया और 3 × 9 हो गया, प्लस 3 से डिवाइड किया 15, 5 टाइम हो गया 5 × 5 = 25 हो गया, प्लस 5 से किया 15 3 टाइम और 3 × 11 = 33 हो जाएगा माइनस का, प्लस 3 से किया 15 को 5 टाइम, 5 × 10 माइनस का 10, बैल खोलेंगे 9 + 25 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 33 और प्लस इंटू माइनस माइनस 10 हो जाएगा 15। 9 प्लस का और 25 प्लस का ये हो जाएगा 34, ये माइनस प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 43/15। साइन दोनों के अलग अलग है, 43 में से 34 माइनस करेंगे क्या आएगा 9 माइनस का 15। अब इसको करेंगे 3 से डिवाइड 3 × 9 और 3/5 = 15 = −3/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ई 4/3 + 3/5 + −2/3 + −11/5 3/5 3/5 ऐसे 15 आएगा, 3 से डिवाइड किया 15 को 5 टाइम, 5 × 4 = 20 हो जाएगा, प्लस 5 × 3 = 15 3 × 9 प्लस 3
थ्री फाइव जाए फिफ्टीन, फाइव जाए टेन माइनस टेन प्लस फाइव थ्री जाए फिफ्टीन और थ्री इलेवन जाए थर्टी थ्री माइनस का थर्टी थ्री ट्वेंटी प्लस नाइन प्लस इंटू माइनस हो जाएगा टेन और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा थर्टी थ्री अपॉन फिफ्टीन इक्वल टू ट्वेंटी प्लस नाइन ट्वेंटी नाइन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देंगे फोर्टी थ्री अपॉन फिफ्टीन इक्वल टू फोर्टी थ्री में से ट्वेंटी माइनस करेंगे क्या आएगा फोर और वन माइनस का फोर्टीन अपॉन फिफ्टीन ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4.9 प्लस 5.3 प्लस माइनस 4.5 प्लस 7.9 प्लस माइनस 2.3 प्लस 9.5। यहां पर 9 3 5 का निकालेंगे एलसीएम, 9 3 5 का 3 से डाल करेंगे 3 3 9 1 5 1 1 5 5 से करेंगे 1 1 1 3 इंटू 3 इंटू 5 3 3 9 और 9 5 जा 45 एलसीएम आ गया हमारा 45। नाइन से डिवाइड करेंगे हम 45 को, 9 5 जा 45 और 4 4 जा 9 से डिवाइड करेंगे हम 45 को, 9 इंटू 45 9 5 जा 45 मल्टीप्लाई 4 20 यहां तो हो गया 20 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे हम 44 को, 3 से डिवाइड करेंगे हम 45 को, 3 बन जाए 3 1 रिमाइंडर 5 3 5 जाए 15 15 को करेंगे मल्टीप्लाई 5 से 15 5 जाए 75 यहां आ जाएगा 75 प्लस 5 से करेंगे 45 5 9 जाए 45 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 49 हो जा 36 क्या आएगा माइनस के 36 ऐसे ही 9 से करेंगे 45 9 5 जा 45 और 5 7 जा 35 प्लस 3 से करेंगे 59 और 15 2 जा 30 माइनस के 30 प्लस 5 9 जा 45 और 9 9 जा 81 20 प्लस 75 प्लस इंटू माइनस माइनस 36 प्लस 35 प्लस इंटू माइनस माइनस 30 और प्लस 81 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बराबर होगी संख्या हमारी अपॉन 45। अब देखो 1 प्लस ये है हमारा, प्लस को हमने यहां लिख लिया, 1 प्लस ये 75 इसको यहां लिख लिया, वंश करेंगे वंश लिखेंगे टेन इंटरेस्ट लिखेंगे मतलब इकाई इकाई ढाई इंच ढाई और ये है 35 प्लस का और ये है 81 प्लस का। पहले इसको चाहो तो एक बार लिख लो 20 प्लस 75 प्लस 35 प्लस 81 माइनस के 36 और माइनस के 30। हमने प्लस 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 को एक बार लिख लिया और माइनस माइनस को एक बार लिख लिया अपॉन 45। इस तरह लिखने से गलती के चांस कम होते हैं, गलती कम से कम होती है, इसलिए जो साइन एक जैसे हैं उनको एक पास कर लो ठीक है और दूसरे हैं उसको एक पास कर लो। प्लस करेंगे 5 10 1 11 1 कैरी हो जाएगा 8 टू 10 और 10 और 7 10 20 21 हो गया, ये हो गया हमारा 211 माइनस इनको प्लस कर लेते हैं ये हो जाएगा 66 अपॉन 45। 66 को माइनस करेंगे तो 5 0 4 1 ये हो गया 100
45 अपॉन 45। अब काटेंगे इसको हम, 5 नाइन जा 45 और 5 टू जा 10 और 5 नाइन जा 45, ये हो गया 29 अपॉन 9। इसको करेंगे होल नंबर में, 9 थ्री जा 27, 2 अपॉन 9, ये हो गया 3 होल नंबर, 2 अपॉन 9, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी, -8/5 प्लस 0 प्लस -11/6 प्लस 17/12 प्लस 9/10। हमें यहां 5, 6, 12 और 10 का आंसर लेना पड़ेगा। 5, 6, 12 और 10, 2 से करेंगे डिवाइड पहले, 5 का 5 आएगा, 2 से 6, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, 2 से करेंगे 5 का 5 आ गया, 3 का 3 आएगा, 2 3 जा 6, 5 का 5 आ गया। अब करेंगे 3 से, 5 का 5 आएगा, 3 का 1 हो जाएगा और 3 जा 3, 5 का 5 आ गया। 5 से करेंगे 1 1 1 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 जा 10, 3 टू जा 6 और 6 टेन जा 60 हो गया। अब यहां रखेंगे हम 60 को एलसीएम को, फाइव से डिवाइड करेंगे हम 60 को। मैं डिवाइड इसलिए करके बता रहा हूं तुमको कि तुम भी करो उसको और गलती ना हो। अगर ओरल करते हैं, बिना लिख के करते हैं, तो उसमें गलती चांस ज्यादा होते हैं, गलती हमारी हो सकती है, तो गलती से बचने के लिए हमको इस तरह लिख के बात करना चाहिए। क्या हो जाएगा, 5 × 5 वन वन रहा है, 0 उतारा, 5 × 10 इसे डिवाइड करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे -8 का, प्लस इंटू का माइनस हो जाएगा और 12 × 96 तो क्या माइनस के 96 प्लस, ये 0 का 0 हो जाएगा प्लस 6 से करेंगे 10 टाइम और 10 × 11 माइनस का 110 प्लस 12 से करेंगे 60 को, 12 × 5 = 60 मल्टीप्लाई करेंगे 17 को, तो 17 × 5 = 85 प्लस के 85 प्लस 10 से करेंगे 6 टाइम होगा और 9 × 6 = 54 माइनस के 96 0 घटा लेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 110 प्लस के 85 प्लस के 54 अपॉन 60 माइनस माइनस प्लस कर देंगे साइन माइनस का आएगा तो 6 और 0 और 2 प्लस पर प्लस करेंगे साइन प्लस का आएगा 9 और 8 × 5 = 13 अपॉन 60 माइनस का ये प्लस का तो 209 में से माइनस करेंगे 139 को तो जाएगा 206 कैरी लेंगे 16 7 आया या 9 हो जाएगा 6 और 0 ये हो गया 67 माइनस का आएगा अपॉन 60। अब हमको डिवाइड करेंगे 60 से, 1 टाइम होगा माइनस का 1 होल नंबर 7/60 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, मुझे उम्मीद है एकदम समझ अच्छी तरह से आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कैरा सब्ट्रैक्ट ये है हमारा 1/5 फ्रॉम 3/5, इसमें 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको माइनस करेंगे 105 − 3/5 ऐसे करते हैं, जब ये हमारा गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट 1/5 फ्रॉम 3/5, कहने का मतलब 3/5 में से माइनस करना है 1/5। क्या होगा, ये 3/5 पहले लिखा जाएगा, -1/5 बाद में आएगा, ठीक है।
एलसीएम 5 आ गया, 5 × 5 = 3 − 5 × 5 = 2/5। ये हमारा आंसर होगा बच्चे। आदर ऐसे करते हैं और ये हमारा गलत हो जाता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब आता है बी, 4.9 × −1/6। कैसे करेंगे? −1/6 माइनस सब्ट्रैक्ट कह रहा है, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा 4.9। अब 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, 2 × 3 = 6, 9 × 9 आएगा, 3 × 3 = 9 और 1 × 1 हो जाएगा 2 × 3 × 3, ये हो गया 18 लिख देंगे यहाँ। अब 6 × 3 = 18 और 3 × 3 माइनस का 3 आएगा, माइनस 9 × 18 और 4 × 8 −3 − 8 −11/18, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? बहुत आसान है, कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, −4/15 × 3/10, ये वाला सी है। इसको लिखेंगे पहले 3/10, या ऐसे याद रखो कि फ्रॉम के बाद वाली संख्या को पहले लिखेंगे और फ्रॉम से संख्या पहले लिखी है उसको बाद में लिखेंगे और साइन लगा देंगे बीच में माइनस का, माइनस साइन लगा दिया, लेकिन ये संख्या पहले से ही माइनस की है, इस वजह से उसको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, 3/10 ब्रैकेट खोलेंगे, −−, प्लस हो जाएगा 4/15, दोनों का एलसीएम आएगा 30, 10 × 3 = 30 और 3 × 3 = 9 प्लस 15 × 30 और 4 × 8 = 17/30, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अब आता है डी, 3/−4 × 4/5, क्या करेंगे? 4.5 − 3/−4, 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा, 5 × 4 = 20 और 4 × 4 = 16, माइनस ये वाला माइनस, 4 × 5 = 20, 5 × 3 = 15, −15, 16, −−, प्लस हो जाएगा 15/20, प्लस करेंगे तो होगा 31/20। अब उसका लिखना है होल नंबर में, क्योंकि जो फ्रैक्शन हमारी है इम्प्रूव फ्रैक्शन है, याद करेंगे 31 को 20 से 1 टाइम होगा और 1 रिमाइंडर आएगा, तो क्या होगा 1 होल नंबर 11/20, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, −1/16 × −3/8, क्या लिखेंगे? −3/8 माइनस, और ये संख्या वाली माइनस की है इसे ब्रैकेट के अंदर, −3/8 −2 प्लस हो जाएगा 1/16, 8 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, 8 × 16 −2 × 6 −6 हो गया, प्लस 16 × 16 1 टाइम 1 × 1 = 1 हो जाएगा, −6 + 1/16 −5/16, −6 में से प्लस के बाद माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, या −6 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा −5/16 है हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? एफ, −4/5 × 9/8, लिखेंगे 9/8 माइनस, इसका माइनस की है तो लिखेंगे ब्रैकेट में 9/8 −−, प्लस हो जाएगा 4/5, एलसीएम 40 आएगा,
8 से डिवाइड करेंगे हम 40 को, 8 फाइव जा 40 मल्टीप्लाई 9, तो 9 फाइव जा 45 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे हम 40 को, 5 8 जा 40 मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 8 जा 32 प्लस करेंगे तो 5 2 7 और 4 3 7 अपॉन 40 आप करेंगे होल नंबर आंसर वन टाइम 37 तो ये हो जाएगा वन होल नंबर 37 अपॉन 40 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे अच्छी तरह से। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।